नमस्ते दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सुनील रोड एटीजेड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन के बारे में। तो आप लोगों सभी को पता है कि लास्ट नाइट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने फाइनल मेरिट लिस्ट आउट किया, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट के दौरान आप लोगों का इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लास्ट डेट कब होगा और आप लोगों का इंस्टीट्यूशनली मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडमिशन के दौरान आप लोगों को किस किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और किस तरह का अंडरटेकिंग चाहिए होगा, सारा कुछ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों का एनरोलमेंट एडमिशन कब से शुरू होगा और आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसीड्योर या काउंसलिंग का प्रोसीड्योर कैसा होगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन के सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो वीडियो होगा बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लास्ट नाइट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने फाइनल मेरिट लिस्ट आउट किया, और मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिन स्टूडेंटों ने 50 से अधिक जो मार्क कैरी किया उन लोगों को एडमिशन मिलेगा। यानी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने लास्ट नाइट जो नोटिफिकेशन आउट किया उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ कि अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 50 मार्क्स से अधिक लाना पड़ेगा, और 50 मार्क्स से ज़्यादा जिसका होगा उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। या अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल और ओबीसी को 60 मार्क्स चाहिए होगा, और जिन अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी 60 मार्क्स से ज़्यादा है उन लोगों को एडमिशन या अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को यह बात पहले ही बताया था कि जिन स्टूडेंट को 60 या 50 से अधिक मिला है उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, और कौन सा इंस्टीट्यूशनों में अप्लाई करना चाहिए मैं आप लोगों को पहले ही वो वाला वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एडमिशन का लास्ट डेट कब होगा। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने पहले लास्ट 28 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि वहां पर लिखा हुआ था कि आप लोगों का जो एडमिशन लास्ट डेट है 8 सितंबर, यानी आप लोगों का 8 सितंबर के भीतर भीतर सभी एडमिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन आउट किया था। लेकिन उन लोगों ने कुछ मॉडिफाई किया। लास्ट नाइट जो नोटिफिकेशन आउट किया वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन में आप लोगों का जो एडमिशन लास्ट डेट है वो 15 सितंबर दिया हुआ है। तो 15 सितंबर के दौरान हम लोगों को एडमिशन सारा कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशन को उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया। तो आप लोगों का एडमिशन 15 सितंबर से आगे हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब से आउट होगा। तो मैं बता दूँ कि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूशनली आप लोगों का 9 सितंबर, उसके आगे आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगा। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद यानी आप लोगों का जो काउंसलिंग है 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन कम काउंसलिंग 11 सितंबर में इंस्टीट्यूशनली कंडक्ट करेगा। सभी इंस्टीट्यूशन को ये साफ नोटिफिकेशन गार्डियन ने जारी किया, तो सभी इंस्टीट्यूशन को ये गाइडलाइन जरूर फॉलो करना चाहिए, और वो लोग फॉलो करेगा भी। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, आप लोगों का कुछ इंस्टीट्यूशनों में तो 5 सितंबर लास्ट डेट दिया है, तो आप लोगों का 7 सितंबर लास्ट डेट होगा आप लोगों का एडमिशन अप्लाई करने का। तो सभी इंस्टीट्यूशन में आप लोगों का 7 सितंबर से आगे आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 9 सितंबर के आगे पब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद 9 सितंबर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन या काउंसिलिंग 11 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद ही आप लोगों का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का प्रोसीड्योर स्टार्ट होगा, यानी वैकेंट रहेगा तो यानी मेरिट लिस्ट के दौरान जिन इंस्टीट्यूशनों में वैकेंट रहेगा यानी सीट वैकेंट रहेगा उन इंस्टीट्यूशनों में आप लोगों का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट पब्लिश करने का बहुत ज़्यादा चांस है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होगा, साथ ही साथ उन इंस्टीट्यूशन में वेटिंग लिस्ट भी आउट करेगा। तो उस वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम पहला है उन लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उन लोगों को वेट करना चाहिए सेकेंड मेरिट लिस्ट तक। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि एनरोलमेंट एडमिशन कब से शुरू होगा। तो एनरोलमेंट एडमिशन आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद आप लोगों का एनरोलमेंट एडमिशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनरोलमेंट के लिए सभी इंस्टीट्यूशन में 20 या 30 इंडेक्स वो रिजर्व करके रखा है, यानी ओनली मेरिट बेसिस आप लोगों का 70 से 80 तक एडमिशन होगा। यानी सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 70 या 80 मेरिट बेसिस में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बाकी बचा जो 20 या 30 इंटेक
वो हो रहा एंडोमेन एडमिशन, यानी सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों में आप लोग एंडोमेन से एडमिशन ले सकते हैं। एंडोमेन में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा रेडर देन द जनरल एडमिशन फी, यानी आप लोगों का जो एडमिशन फीस होगा जनरल जो एडमिशन फी होगा उससे थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को पे करना पड़ेगा, यानी यदि आप लोग एंडोमेन में एडमिशन लेते हैं तो। एंडोमेन एडमिशन प्रोसेस वाला वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पिन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोगों का एडमिशन काम काउंसलिंग शुरू होगा तब आप लोगों को इंस्टीट्यूशन में कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उस डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फर्स्ट तो आप लोगों का जो एस प्रूफ के लिए जो आप लोगों का HSLC का एडमिट कार्ड वो आप लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो पास सर्टिफिकेट का मार्कशीट यानी HS ग्रेजुएशन, आपका PG है तो PG का पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये सारा कुछ आप लोगों का ओरिजिनल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनका अभी तक ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुए उन अगर वो बंदा GU का है तो वो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन रहेगा उन लोगों को अपने डिक्लेरेशन और फाइनल रिजल्ट दे शुड सबमिट द ओरिजिनल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो लोग ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट वो लोग सबमिट करना पड़ेगा आफ्टर डिक्लेरेशन द रिजल्ट। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब देना पड़ेगा, तो आप लोगों को बता दूं कि जिन स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या तो उन लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, काउंसलिंग के दौरान उन लोगों को प्रोड्यूस करना नहीं चाहिए। आफ्टर 1 month यानी विद इन 1 month उन लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा यदि उन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कन्फर्म हो जाए तो, यानी जिन इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा उन इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को क्या होगा विद इन 1 month आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन ओरिजिनल। और OBC कैटेगरी को मैं बता दूँ कि OBC कैटेगरी को NCL नहीं चाहिए, यहाँ पर गौर यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि NCL जरूरी है, तो OBC कैटेगरी का ये फायदा है कि NCL या कुछ एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होगा, अगर आप लोगों का जो OBC सर्टिफिकेट है वो भी काम चलेगा, OBC सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोड्यूस करने पड़ेगा, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट बाकी ST SC उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो इनकम सर्टिफिकेट होगा, इनकम सर्टिफिकेट जो सर्कल ऑफिस से आप लोग अभी निकला हुआ है तो सर्कल ऑफिस से जो इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल चुका है वो वाला इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को एडमिशन के दौरान आप लोगों को इंस्टीट्यूशन में प्रोड्यूस करने पड़ेगा, EWS सर्टिफिकेट भी साथ में देना पड़ेगा, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इंस्टीट्यूशन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अंत में आप लोगों को बता दूं कि इंस्टीट्यूशन में आप लोगों का जो एडमिशन फीस होगा, एडमिशन फीस कुछ इंस्टीट्यूशनों में आप लोगों को ऑफलाइन पे करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को ऑफलाइन बैंक में जाकर आप लोगों को पे करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग कैश आप लोग लेकर जाइएगा जब भी आप लोगों का काउंसलिंग या एडमिशन होगा, आप लोग कैश लेकर जाइए। तो अंत में मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन जब 11 सितंबर में हो जाएगा, 11 सितंबर के बाद आप लोगों का 12 सितंबर के भीतर आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के दौरान आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन उस दिन ही हो जाएगा, यानी ज़्यादा देर नहीं करेगा, 1-2 दिन के अंदर वो लोग सारा एडमिशन कंप्लीट करेगा। एंडोमेन एडमिशन जो लोग लेना चाहते उन लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आउट होगा और तभी उन लोगों को इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में जाकर प्रिंसिपल या एडमिशन हेल्प डेस्क को उन लोग रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बताना चाहिए कि मैं एंडोमेन में एडमिशन लेना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशन उन लोगों को बता देगा कि क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन वो इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब भी आउट होगा उसी दिन आप लोगों को इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए एंडोमेन एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद, जय हिंद।